समस्या है, बहुत परेशानी है। भारत बहुत समस्या है, ड्यूटी कर करके थक गया, अभी गली में झूला मिल गया, झूले ले रहे। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, 12 बजे तक पुलिस वाले खड़े हैं, डॉक्टर परेशान। बाहर कोरोना है, बाहर कोरोना फैला है। 3 लोग हैं दवाई लेने, 3 लोग जा रहे हैं। इधर आओ, इच्छा जा रही है आइसक्रीम। अरे लस्सी वस्सी हम नहीं पीते, घर में खाते, घर में पीते, कोरोना फैला है, समझे। आपका सर मास्क कहाँ है श्रीमान जी? अभी मुंह धोए हैं, सुंदर लग तो रहे हैं। कटके सौ लेना देना आप कैमरे में बोल रहे हैं, सोच लीजिए हम धारा भी लगा देंगे। और दूर रहो, नया आइटम दिखाते हैं आप तुमको। चलो, अब तुमने बोला नचा लो या मार लो, तो गाना सुना रहे हैं, दोनों नहीं करवा रहे, गाना सुना दो बढ़िया। चमचमाती हुई BMW कार का चालान काटने वाले MP पुलिस के इन सूबेदार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। बोलने का थेट देसी अंदाज और मजाकिया लेजा इन सूबेदार की पहचान बन चुका है। 3 लोग हैं दवाई लेने, 3 लोग जा रहे हैं। इधर आओ, इच्छा जा रही है आइसक्रीम। अरे लस्सी वस्सी हम नहीं पीते, घर में खाते, घर में पीते, कोरोना फैला है, समझे। तो चलिए मिलिए MP पुलिस के चुलबुल पांडे यानी सूबेदार भगवत पांडे, जो सिद्धि में ट्रैफिक पुलिस में सूबेदार हैं। कड़क वर्दी और चुलबुली आवाज वाले सूबेदार भगवंत पांडे का जलवा देखिए। आपका सर मास्क कहाँ श्रीमान जी? अभी मुंह धोए हैं, सुंदर लग तो रहे हैं। कटके सौ लेना देना आप कैमरे में बोल रहे हैं, सोच लीजिए हम धारा भी लगा देंगे। चलान नहीं कटेगा सर, कैसे 500 के नीचे चलान? लौट मेरे दोस्त, लौट के आना। कानून का पालन कराना तो इनसे सीखना चाहिए। छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, अगर नियम तोड़ा तो सूबेदार साहब छोड़ते नहीं है। ऐसा ही एक वाक्या उस वक्त हुआ जब चमचमाती BMW कार का चालान सूबेदार पांडे ने काट डाला। हालांकि इस चालानी कार्रवाई के बाद उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया। कायदा कानून को अलग अंदाज में समझाने वाले इन सूबेदार को सोशल मीडिया पर चुलबुल पांडे के नाम से भी जाना जाता है। लॉकडाउन के दौरान जब पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा था, तब सूबेदार भगवत पांडे डटकर ड्यूटी कर रहे थे। रोजाना सड़कों पर उनकी गाड़ी दौड़ती और जहां कहीं भी कोई लॉकडाउन के नियम तोड़ते मिलता तो उसे अलग अंदाज में सबक सिखाते। लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी करते वक्त सूबेदार चुलबुल पांडे के कैमरे ने ऐसे कई किस्से कैप्चर किए जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। उन्हीं में कुछ किस्से हम आपको दिखाते हैं, देखिए। किस्सा नंबर 1, घर में खाते हैं, घर में पीते हैं, कोरोना फैला है, समझें। इधर आओ, इच्छा जा रही है आइसक्रीम। अरे लस्सी वस्सी हम नहीं पीते, घर में खाते, घर में पीते, कोरोना फैला है, समझे। आपका सर मास्क कहाँ है श्रीमान जी? कहाँ? अभी मुंह धोए हैं, सुंदर लग तो रहे हैं। अरे साहब झूठ बोल रहा है। ना छोड़ेंगे तो पापा जी को भी नहीं अपने। चलान तो सबको कटेगा, सौ लेना देना आप कैमरे में बोल रहे हैं, सोच लीजिए हम धारा भी लगा देंगे। चलान नहीं कटेगा सब, कैसे 500 के नीचे चलान? लौट मेरे दोस्त, लौट के आना। नहीं नहीं, सम्राट चौक में ट्रैफिक थाना, वहीं काट देंगे चलान, कर देंगे रवाना। किस्सा नंबर 2, पांडे जी का प्रवचन स्टाइल। बोलो मैं दोबारा कभी तफरी करने के लिए नहीं निकलूंगा, अगर निकलूंगा तो मुझे डंडे से पीटा जाए, लाठियों से मारा जाए, यह मेरे लिए पर्याप्त दंड होगा। किस्सा नंबर 3, चलो नया आइटम दिखाते हैं। रात का वक्त और सुनसान सड़क पर लॉकडाउन तोड़ जा रहे युवकों को जब पांडे जी ने गियर में लिया तो चलिए देखिए क्या हुआ। कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? लो गियर में, लो लो लो, तत्काल लो, आ जाओ, उतर आओ बेटा। और दूर रहो, नया आइटम दिखाते हैं आज तुमको। चलो देखो, जितना बोलेंगे उतना कर लो, नहीं तो हम लोग डंडे से स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी में किक मारते होगे स्टार्ट हो जाती ना। ऐसे कूदो, थोड़ा आगे कूद के जाओ। आप बोलोगे हम ना निकलेंगे, बोलते जाओ, टर टर भी बोलो, सही सही की मेढक नहीं हो, नाली में ना घुस जाना, पीछे मोड़। अरे गजब क्या मुड़े हैं यार ये। किस्सा नंबर 4, सूबेदार का सिंगिंग टैलेंट। अब तुमने बोला नचा लो या मार लो, तो गाना सुना रहे हैं, दोनों नहीं करवा रहे, गाना सुना दो बढ़िया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार, आई बहार पिया आई बहार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 करूं गिन गिन के मैं इंतजार, आया पिया आया बहार। और चाचा आगे आगे एक मिनट चाचा, एक और चाचा, एक तुम अपने हिसाब से गा दो बढ़िया। मैं तो रस्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुड़ी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था,
मैं तो रस्ते से जा रहा था, भेल पुड़ी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। मुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुम मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। कान पकड़ लो, चालू हो जाओ, लगा लो, शुरू हो जाओ। एक बिस्किट और एक पानी का पाउच दो, बढ़िया डांस करने के लिए। कोई सा भी सुना दो। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, जुमे रात को, हाँ हाँ आधी रात को, कहाँ, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। क्या बात है। अच्छा तो हम चलते हैं। ऐसे कैसे चले जाओगे आप, आपको सुनाना पड़ेगा हमें एक और गाना। हाँ, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते, देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी, ओफो मेरी तो घड़ी बंद है, तेरी ये अदा मुझे पसंद है, देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर यही कहना न आई और जल्दी, कि आओ पास बैठे पल दो पल, आज नहीं कल, क्यों क्यों आज नहीं कल, ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है, इतनी जल्दी ये दिन ढलते हैं, बाय बाय। अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं। किस्सा नंबर 5, जब दरोगा जी बने ऑटो वाला। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। परमिट दिखाइए थोड़ा, दिखाइए आप कितना कितना स्पेस है, देखो कितना स्पेस है। आपको मैंने दरोगा बना दिया है, अभी मैं ऑटो वाला बन रहा हूँ, ठीक है। ये फैसला लेंगे आप, बोलना है कि मैंने गलत किया, बीच रोड पे वाहन मुझे नहीं खड़ा करना चाहिए, ऐसा मैंने गलत किया, तो अब चलान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए ये बताएंगे। बताइए आप, मेरी जगह बोलते माफ करते मुझे, मैं कर रहा हूँ, मैं एक मौका आपको दे रहा हूँ, ठीक है, है ना। इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरी गलती करें, दोबारा गलती करेंगे मैं डबल चालान सुनाऊंगा। किस्सा नंबर 6, आओ यार बातें करें 4। कहाँ खड़े हो छोटू, आओ यार बातें कर लो 4। आ जाओ, बहुत बढ़िया, ये रहा फेस और ये रहा केस। हाँ तेरा क्या होगा कालिया, वो तो चला गया, और कुछ है जल्दी जल्दी बोल लो, जितना मसाला तैयार किया हो तुमने अभी अभी, चलो निकलो दौड़ के, चल बाहर निकल जाने दो। किस्सा नंबर 7, अपील का अलग अंदाज। दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, फिर घर में ठहरने में क्या दिक्कत है, क्यों घूम रहे हो बाहर आवारा गर्दी करते हुए, घूमते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है, पूरा देश कोरोना से परेशान है, और ये तुम हो, ये तुम हो, ये गैर जिम्मेदार नागरिक का धर्म निभा रहे हो, बहुत अच्छा है। लॉकडाउन में लोगों को कायदा कानून सिखाने वाले सूबेदार पांडे जी मजबूर के दोस्त भी बने, जहाँ जरूरतमंद मिले उन्हें जरूरी सामान दिया और कोरोना के बारे में जागरूक भी किया। सुनो फोन नंबर रख लो, इनको दे फोन नंबर, दे दीजिए, मोबाइल वाले कोई समस्या नहीं खाने के, एक कॉल मारना खट से, या तो तुम पैदल यातायात तक आ जाओ, खाने आ जाओ, आ जाओगे ना, बस तुमको हम जो खाना मिल गया। अभी इनको हमने राशन दिया था 2 दिन का, किसी कारण से खत्म हो गया, अब हम डायरेक्ट इन्हें खाना देंगे, तेल और मिर्ची और धनिया देने से अच्छा है बना बनाए खाना देंगे, दोनों टाइम का खाना आप हमसे लो, चुपचाप घर में रह आओ, वहीं आके हम शाम से दे देंगे, आप फोन करके मंगवा लेना, ठीक है। चावल दे दो, कुछ पैसे हैं, अरे रोना नहीं, रोना नहीं, नहीं तो नहीं देंगे हम, रोना नहीं, रोओगे तो देंगे नहीं, चावल दे दो, ये आप चावल पकड़ो, चावल, ये चावल हो गया आपका, और दो कुछ फल फूल खाओगे अम्मा, फल फूल, ये लो ये बिस्किट पकड़ो, ये पकड़ो, मास्क दे दे, लगाओगे, मास्क लो यार, लो अम्मा मास्क ये लगाना, रात में फीच फाच लेना, सुखवा लेना, सकारे पहन लेना। शहर की ड्यूटी कर थकान होने पर पांडे जी सुकून के पल बिताने जंगल की ओर रुक करते हैं, और वहाँ पर किस तरह से आराम करते हैं ये भी उनसे ही जान लीजिए। ड्यूटी के पलों से थोड़ा सा समय निकाला है हमने, बहुत समस्या है, बहुत परेशानी है, हम लोग ड्यूटी कर करके मरे जा रहे हैं, तुम लोग अकल नहीं आ रही रे, क्या बताएं।
सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 12 बजे तक पुलिस वाले खड़े हैं, डॉक्टर परेशान, सब इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन सब काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और एक तुम हो दादा, काहे घर से निकल निकल के भाग रहे हो बताओ, काहे भाग रहे घर से निकल निकल के, तुम्हारे लिए तो लगे हैं, अब निकलो बाहर। अब हम बता रहे उठक बैठक बहुत हो गई, अब बेटा किस सीटे थे, भारत बहुत समस्या है, ड्यूटी कर करके थक गया, गली में झूला मिल गया, झूले ले रहे, घर में पड़े रहो, हम लोग बहुत परेशान हैं, आप लोगों के लिए दिन रात लगे हैं, बाहर कोरोना है, बाहर कोरोना फैला है, अगर बाहर निकले कोरोना इसे जकड़ पकड़ गया, इसे कड़कड़ाहट पकड़ लेगा, दिक्कत हो जाएगी बाद में ना कहेंगे हम बताए नहीं थे। और कोरोना जो है अदृश्य दुश्मन है, घर के बाहर निकले कब पकड़ लिया कब जकड़ लिया पता नहीं चलेगा, उसका एक ही इलाज है घर के अंदर रहो, कारण इसको जो है घर के अंदर ना जाने का श्राप है, घर के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकता, तो आप अपने घर के अंदर अगर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और ये पीछे का विहंगम दृश्य, तो यहाँ पे हमने कुछ थोड़ा बहुत शूट भी किया है जागरूकता के हिसाब से कि अपने अपने घरों पे आपको रहना है। मैं फिर से बता दूं, मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ, रास्ते पे पड़ा हुआ है ये पर्यटन स्थल, तो हमने 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर अगर गाड़ी चला ली तो हमें लगा कि थोड़ा सा एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, हो सकता है कुछ सुकून देने वाले पल आपको यहाँ पे मिल जाएं, तो उन सुकून देने वाले पलों की तलाश में यहाँ आ गए, और आपको भी ये सब दिखाना था मुझे, इसलिए मैंने आपकी नज़रों के लिए देख लिया इन सब नज़ारों को और कैद कर रहा हूँ अपने कैमरे में। तो आपसे यही कहना चाहूँगा, लॉकडाउन का इंतज़ार करिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, अच्छा है, पुलिस प्रशासन सभी लोग लगे हुए हैं, अच्छा है। मैंने सोचा था कि तुम लोगों के लिए इतना सारा काम कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, पुलिस कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं, कर्मचारी कर रहे हैं, हर एक अधिकारी कर रहा है, लेकिन तुम लोगों की आदत पड़ी हुई है, वही पड़ी हुई है कि जो कहो कि मना करो कि ये ना करना वो ना करना वही करते हो, तुम्हारी आदत कभी जाएगी नहीं, मेरी बात सुनो, अब अगर घर के बाहर निकले तो उठक बैठक तक काम नहीं चलेगा, इतना घचीटे बेटा घुटनों निकल आया, खून लगाना पड़ेगा उसमें हल्दी और चून, इसलिए बता रहे हैं कि वहीं रहना नहीं पहुंचा देंगे उठक देहरादून, समझ रहे हो, देहरादून पहुंचा करके तुमको वहीं छोड़ देंगे वहां के जंगल में, और वहीं पे पड़े पड़े हो जाओ परेशान, इसीलिए बताते हैं ज्यादा ना करो हैरान और हमारी परेशानी समझो, कोरोना से रहो दूर, इतना ना करो मजबूर, उठाना पड़े उठक बैठक कराना पड़े और आपको परेशान करना पड़े, और अब बन गए हमारे पकौड़े, जा रहे हैं चाचा, ज्यादा दिक्कत नहीं करना, अगली बार बताएंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, चलो।